भूपेंद्र हुड्डा का आज के दिन में कोई सानी नहीं है। अगर उनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो 100% कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मेरी राजनीतिक इच्छा भी नहीं है। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ लूंगा। अगर वो जनता कहेगी, पार्टी टिकट ना भी दे, जनता कहे लड़ना पड़ेगा, तो भी लड़ सकता हूं मैं। किसान आंदोलन में जो किसानों के साथ रहा, सोशल वर्कर रहा, ये सारा कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी है। आप वर्तमान में किस पार्टी में हैं? देखो ऐसे जी, क्योंकि मैं कांग्रेस में बातें चल रही हैं, अब कांग्रेस में कोई टिकटार्थी ढूंढना पड़ेगा, नया ऐसा नेता ढूंढना पड़ेगा जो मजबूती से चुनाव लड़े। आप किस पार्टी में? लंबे तौर पर चौहान कुलदीप बिश्नोई जी के साथ रहा, और जब चौहान कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनित कांग्रेस पार्टी को मर्ज किया कांग्रेस में 2017 में, तो मैं उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गया था। और उसके बाद मैं लगातार कांग्रेस के जो इलेक्शन होते थे या कोई होते थे उनमें जाता रहा। और जब कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी ज्वाइन करी तो मैंने कुलदीप जी कहा कि हमारे सामाजिक संबंध हैं, अब भी रहेंगे, आगे रहेंगे, मेरे अच्छे दोस्त भी हो, लेकिन मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, क्योंकि बीजेपी किसान और मजदूर के विरोधी पार्टी है और मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा। मैंने उनको बोल दिया था तो आप पहले। वर्तमान में भी कांग्रेस में हैं और 2017 से कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस ही हैं। हाँ, तो मैं उसका कारण बताता हूँ। बीच में जिस प्रकार से मैंने युवा कल्याण संगठन है, जो हमारा एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, उसके बैनर के तहत मैंने किसान एजिटेशन के अंदर दवाइयों का लगातार लंगर लगाया, और वहाँ किसानों में जितनी रैलियाँ हुई, जहाँ भी जाना होता था, तो हम युवा कल्याण संगठन के बैनर के तहत वहाँ जाते थे। किसान की आवाज़ और मजदूर की आवाज़ थे। खिलाड़ियों की बात हुई तो भी युवा कल्याण संगठन के, कहीं पेड़ लगाना है, भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाना है, और जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको सम्मानित कर रहा है। कोरोना के अंदर, इतनी महामारी के अंदर, आप देखा होगा कि हमने कोरोना के मरीजों में जाकर उनकी सेवा करी, और जो भी हम कर सकते थे कोरोना के दौरान में, जो जो प्रवासी मजदूर को भेजने का कार्य है, उनकी भोजन की व्यवस्था है, सारी हमने करी। तो ये तो हमारा एक अलग चीज़ है कि हम आगे भी करते रहेंगे इस चीज़ को, तो क्योंकि ये जब तक कोई सामाजिक संगठन आगे नहीं आएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर्दे पीछे हो जाती, काम नहीं करती हो। तो इसलिए मैंने देखा कि भाई इसमें के नाम है, जो हमारे जो नेताओं का गाना चीज हो नहीं आ रहे थे, तो इसलिए हमने संगठन के जितने पदाधिकारी कहा कि हम काम करेंगे। तो प्रधान जी, अब कांग्रेस से चुनाव कौन लड़ेगा? कांग्रेस अब चेहरा तो ढूंढेगी, कोई मजबूत चेहरा हो, क्योंकि किरण चौधरी जब तक रही कांग्रेस में तो टिकटार्थी काफी कम थे और उनको लगता था कि बड़ी नेता हैं, बड़ी नेत्री हैं, तो शायद उनका नंबर नहीं आएगा, तो उन्होंने ऐसा प्रयास भी नहीं किया। हालांकि अनिरुद्ध चौधरी का नाम चलता रहा, आपका नाम चलता रहा, और अभी भी सोशल मीडिया पर ये दो नाम चल रहे हैं। तो कमल सिंह प्रधान तैयार हैं अगर कांग्रेस टिकट देती है देखो, तो? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि तोसाम से की जनता अगर ये सोचेगी कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी में चुनाव लड़ा, मेरा चुनाव लड़ने का मेरा कोई शौक नहीं है। और मैंने, आपने देखा, 15 साल मैंने चुनाव भी नहीं लड़ा। 2009 के बाद 2024 आ गया और मैं 15 साल एक दिन भी घर पे नहीं रहा। अगर मेरी राजनीतिक इच्छा होती तो मैं चुनाव लड़ता। मेरी राजनीतिक इच्छा भी नहीं है। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ लूंगा। अगर वो जनता कहेगी, पार्टी टिकट ना भी दे, जनता कहे लड़ना पड़ेगा, तो भी लड़ सकता हूं मैं। लेकिन मेरा ये इच्छा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, ये मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो ये द्वापुश्री में मेल के चुनाव लड़ते हैं, इनको जनता बता दे कि भाई जनता जागरूक है, अपने हकों का मारना, अपने मत का प्रयोग सही दिशा में करना उन चाहती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा कैंडिडेट आओ, कोई भी हो, चाहे भाई हो, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, इनके आवाज मन के उभरे हो, तो भाई कोई भी भाई आ सकता है, मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं अब तक किसी से भी टिकट मांगने के लिए नहीं गया हूं, एक आदमी से मैं मिला नहीं हूं, ना मैंने नौकरी में टिकट दे दू। जी मैं कहता हूं कि अगर आप ये लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूं और मैंने काम किया है इसके लिए, तो आप मेरे को टिकट दे दो, या मेरे से भी कोई अच्छा हो उसको दे दो। लेकिन इतना तो ध्यान रखो भाई कि किसी आदमी को टिकट ऐसे आदमी को दो जो जनता के बीच में रहा हो। अब तो चौधरी धर्मवीर किरण चौधरी तो एक ही पार्टी में हो गई थी, अब तो तीसरा ही आदमी आएगा कांग्रेस में, कोई आएगा, तो मैं कांग्रेस के हाईकमान से और जो भी उनके जिम्मेवार पदाधिकारी, उनसे यही बात कर रहा हूँ कि आप ना अच्छे आदमी को चुनाव करके भेजो, कहीं ऐसा कोई डम्मी आदमी न भेज देना कि वो, क्योंकि ये दोनों बड़े शातिर हैं राजनीतिक तौर पे। शातिर शब्द का मतलब दूसरे तरीके नहीं ला रहा, राजनीतिक बड़े बड़े जागरूक है ये, और ये इनकी
पेट दूसरी पार्टी में होती है, ये बैठे बैठे है ना आकलन कर लेंगे कि अगर इस उम्मीदवार को टिकट दे दिए कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे, तो हो सकता है वो हाईकमान में कोई सेटिंग करके उसको बदल के दूसरे उम्मीदवार को भी करे, ऐसा होता है जी राजनीति में। और जो शरीफ आदमी होता है तो जनता भी जो रुके मरता पीछे रह जाता है। तो क्या लगता है कि आपकी शराफत ही आपकी ये वजह रही कि आप राजनीतिक करियर में सक्सेस हाँ, नहीं हो उसके? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही, और ये मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी ने 77 में जब 75 में इमरजेंसी में गए, उनका हक मरता था तो शाम के, क्योंकि 74 में चोई देवला ने चुनाव लड़ाया तो शाम से, तो उन्होंने कहा भाई चोई जनवीर सिंह मेरे को चुनाव या तो शाम से लड़ना तुम मत लड़, क्योंकि 67 से मेरे पिता ने चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने बोला ठीक है जी वैसे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, चोई बंसी लाल उस टाइम मुख्यमंत्री होते थे, नहीं उन्होंने बोला चोई बंसी लाल के खिलाफ तो मैं चुनाव लड़ूंगा इसको हराऊंगा, उन्होंने बोला ठीक है अरे तू मेरे आज मेरे लिए त्याग कर रहा है तो मैं वक्त आएगा तो तेरे लिए बड़ा काम करूंगा। तो क्या हुआ जी वो मेरे पिता चुनाव नहीं लड़ा 72 का, तो देवीलाल ने चुनाव लड़ लिया, आदमपुर से भी लड़ा रही यहाँ से लड़ा, वो चुनाव हार गए, लड़ाकू आदमी कहीं से चुनाव लड़ लेते थे। तो 75 में इमरजेंसी लगी, पिताजी को अंदर कर दिया गया 2 साल के लिए, तो उस टाइम ये था कि भाई इन लोगों ने काम किया है और सरकार के खिलाफ उस टाइम इमरजेंसी में सरकार के खिलाफ बोलना तो इतना बड़ा गुनाह, तो बहुत सुंदर है आप लोगों की मदद से हम अपनी बात रख सकते हैं। उस टाइम तो अखबार वाले बेचारे तो घूमते थे, यहाँ एक ढाबा होता था घंटा घर के ऊपर एक ही होता था, उसको खाना नहीं खिलाता था वो जो विरोधी कई तरह ढाबा बंद ना करा थे, बोलने का अधिकार नहीं था, डॉक्टर सब डरते थे, मतलब इतना मतलब जबरदस्त वो टाइम था। तो उस टाइम में चोई जगन्नाथ चौधरी हिरानदारी जी और चौधरी अतर सिंह मांडी जी और ठाकुर वीर सिंह का पूरा परिवार जिसमें लाल सिंह भी शामिल था, उनके भाई जितेंद्र भी थे, खुद ठाकुर वीर सिंह जी भी थे, और भी बहुत यहाँ भिवाणी के आदमी थे, कांवरे भल्ले राम जी थे, इन सबको अंदर डाल दिया गया। आप भी थे उसमें? नहीं मैं नहीं था उस टाइम, मैं बच्चा था, मेरे फादर साहब थे, मैं तो उस टाइम 5वीं पढ़ता था, तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो उसके बाद में क्या नाम इमरजेंसी टूटी और चुनाव हो गए, जैसे अब की बार पहले लोकसभा ऐसे चुनाव हुए थे, मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और गृह मंत्री चोई चरण सिंह बने, तो चोई चरण सिंह का हरियाणा के अंदर इंटरफेयर था, तो वहां चोई देवीलाल को यहाँ से लीडर बना दिया कि ये मुख्यमंत्री बने, इनके नेतृत्व में चुनाव होगा, तो स्पेशली कहा गया कि भाई ये जो 4-5 आदमी है ये बड़े मजबूत है, इन्होंने सरकार के खिलाफ बड़ा काम कराया है और जेल भी काटी है और संघर्ष भी किया है, धरने जुलूस भी करे हैं, इनके इनको टिकट दे दो। तो क्या हुआ जी वही फिर प्रोग्राम चल पड़ा, चौधरी अतर सिंह मांडी की टिकट काट के रण सिंह मान जी को दे दी जो अकमणता था उनका, और मेरे पिताजी की टिकट काट के बलबीर सिंह ग्रेवाल जी को दे दी, ग्रेवाल जी बहुत ईमानदार नेता रहे लेकिन वो मुनाल से टिकट मांगते थे, मुनाल से इसलिए नहीं दी कि चौधरी देवीलाल का जो ओम प्रकाश चौटाला के समझी चौधरी टेकराम जी वो उनको टिकट दे दी वहां से उनको रजिस्टर करने के लिए, और पिताजी की इसलिए काट दी कि भी वहां इसको काट दो, यानी चो बलबीर सिंह को भी उन्होंने डाउन कर दिया और चो जंगवीर सिंह को भी डाउन कर दिया, ये भी एक साजिश थी। वो चुनाव हम हालांकि क्या नाम है उस टाइम चंद्रावती जी एमपी बनी थी, तो वो बलबीर गरेवाल जी बैठ गए थे भाई, कह दिया मैं चो जंगवीर सिंह हक में बैठता हूँ, लेकिन उस टाइम सिंबल अलर्ट हो चुका था, हलदर का निशान होता था, तो लोगों ने उसमें 8,000 वोट डाल दिए, मेरे पिताजी के शायद 20,000-21,000 वोट आए थे, सुरेंद्र सिंह का 22,000 कुछ ऊपर वोट आए थे, तो वो जीत गए, सुरेंद्र सिंह था उस मुकाबले में। तो मेरा कहना मतलब है कि जो हमारे परिवार के साथ तो कई बार होता है कि इसको वो एक टिकटमबाजी का शिकार रहे हम तो, तो मैं तो अब भी कहता हूँ भाई मैं तो भाई देव सीधी बात है सीधा आदमी हूँ, ना सिद्धांत से समझौता करूंगा, हाँ इतना जरूर है कि अगर जनता मौका देगी तो काम तो अब भी करें लोगों के बीच में रहकर, जितने भी शक्ति है धरने जुलूस करके हाथ जोड़ के अफसरों के पास है, काम करवाया जाता है, अगर ताकत देगी तो और मजबूती से काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, ये सोच है कि भी इनको मौका तो कई बार दे लिया, तो धर्मवीर को भी बना के देख लिया, चुकेन चौधरी को भी बना के देख लिया, अगर जनता हमें मौका देगी और पार्टी हमें मौका देगी तो हम खूब काम करके दिखाएंगे, और पार्टी और किसी को भी टिकट देती है किसान मजदूर के लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है तो मैं 100% के साथ हूँ, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा उसकी पूरी मदद। अच्छा हुड्डा साहब का क्या लगता है आपको? हुड्डा साहब के हिस्से अब पहले कहा जाता था रोहतक सोनीपत और इस बेल्ट में झज्जर बेल्ट में उनकी पकड़ अच्छी है, अब तो भिवानी तक उनका हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे जो कहा जाता है गुट उनके खिलाफ बने हुए थे, किरण का गुट था एक अलग गुट था, यहाँ पे पकड़ बनाने के लिए वो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ तक उनके कैंडिडेट होंगे।
देखिए इसमें कोई दोराय की बात नहीं है विनोद जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा एक मास लीडर बन के उभरा है और आज पूरे हरियाणा में उनकी बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, और क्योंकि उन्होंने कई काम ऐसे किए, किसान के लिए उन्होंने काम किया और खिलाड़ियों के लिए काम किया और दूसरे वर्गों के लिए भी काफ़ी काम किया, तो लोग उसको याद कर रहे हैं। अब इनका मुकाबला देखो, कोई आदमी अपना आप मैंने कहा मैं मुकाबला कांग्रेस पार्टी में आज के दिन अगर कोई मजबूत नेता है तो है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, और मैं कहता हूँ कि उनके नेतृत्व में अगर चुनाव कराया जाए तो कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी और सरकार बना सकती है। लेकिन अगर मान ले ये तिकड़मबाजी करके उनको रोकने का प्रयास करेंगे तो फिर बीजेपी तो इस चीज में माहिर है जी, वो इस चीज कई चीज करेगी। अब बीजेपी देखो हरियाणा भिवानी जिले की बात करता हूँ, चौधरी सतपाल सांगवान जी जाट नेता बहुत मजबूत दादरी से, चौधरी धर्मवीर सिंह जी जाट नेता, किरण चौधरी जी, जेपी दलाल जी, अब तो ये चेहरे से हैं जो अगर देखा जाए तो इनसे मजबूत तो कोई नहीं लगता, फिर कहते हैं बीजेपी आएगी, नहीं ऐसा नहीं है, किसान इनके खिलाफ है, तो किसान मजदूर इनके खिलाफ है, कर्मचारी इनके खिलाफ है, आशा वर्कर बहने, आंगनबाड़ी की बहने, स्टूडेंट, नौजवान ये खिलाफ है। इसलिए जनता तो भाई जिसको भी ना इतना जरूर कहती है कि कांग्रेस में अपना विकल्प देखती है, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में एमएसपी की बात करी कांग्रेस पार्टी ने, नौजवानों के लिए बात करी है, अग्निवीर को खत्म करने की बात करी गई है और दूसरी सुविधा देने की बात कही है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रति उन लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, देखो मैं इसमें कोई दुराई की बात नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा का आज के दिन में कोई सानी नहीं है, अगर उनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो 100% कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी जी। तो फिलहाल ये थे कमल प्रधान जी, और बातचीत किरण चौधरी से शुरू हुई और उसके बाद हमारा मुद्दा रहा कि कांग्रेस टिकट किसको देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दो ही सवाल चल रहे हैं कि किरण चौधरी राजनीति खत्म तो नहीं कर ली, किरण चौधरी ने खराब तो नहीं कर ली, और दूसरा सवाल यही चल रहा है कि अब कांग्रेस के पास कौन सिपाही होगा जो मजबूती से किरण चौधरी या श्रुति के खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। तो वो सब बातें आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। कमल प्रधान जी के साथ बातचीत रही बड़ा सहजता के साथ, सरलता के साथ, और एक मैं कह सकता हूँ एक स्वाभिमानी और सरल साफ सी छवि के इंसान हैं, और राजनीति में कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सफलता इनको मिली नहीं। आप लोग कमेंट में जरूर तय करें कि आने वाले वक्त में कमल प्रधान श्री के अगर कांग्रेस से कैंडिडेट आते हैं तो हार जीत क्या मायने रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो कमेंट में लिख सकते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।